तो बेसिक चीज है इस पृथ्वी को मैनेज करना। इसके लिए, इस पृथ्वी को मैनेज करने के लिए बाबा कहते हैं कि इसका सबसे जो मूल जो सिद्धांत है उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग आज कुछ की पॉइंट्स है उसको हम लोग चर्चा करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग प्राउड द पाथ टुवर्ड्स कंप्रेहेंसिव सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आपने कहा। तो हम लोग इसको अगर देखते हैं कि देखिए, प्राउड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी आप लोग सब लोग जानते हैं, ये क्या है? प्रगतिशील उपयोग तत्व। ये सामाजिक विकास के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का समाधान करता है, जो कि प्रौद्योगिकी द्वारा स्थानीय स्वावलंबन, आर्थिक लोकतंत्र और ये संसाधन है, साधारण संसाधन है या हमारे जो कलेक्टिव संसाधन है उसका समान समानुपातिक वितरण। यहाँ पर कहा गया है कि इसका, बाबा कहते हैं कि इसका रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, समानुपातिक वितरण को महत्व देने के माध्यम से हम लोग न्याय संगत और ये सामर्थ्य, सम सामर्थ्य समाज बनाने का जो लक्ष्य है, या यहाँ पर हम लोग जो प्राउथ के सिद्धांत को समझेंगे, इसकी अवधारणा को समझेंगे, आज इसमें थोड़ा से जानते हैं कुछ की पॉइंट्स है। इसको अगर समझते हैं तो इसको आर्थिक, सामाजिक और ये राजनीतिक पहलू है, इस पर मुख्य आज हम लोग दो चार बातें की, दो चार पॉइंट्स को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, और जिसमें हम लोग स्थानीय स्वावलंबन या ये कहा जाए कि इसमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, आर्थिक स्वतंत्र, ये लोकतंत्र है, आर्थिक स्वतंत्रता है, और एंड इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने कहा कि समानुपातिक ये बंटवारा की बात कही गई है, अनलेस लाइक कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये जो है प्राउड का सिद्धांत अलग है। इसलिए समाजस्य विकासाय चेतसा प्रौतम आर्थिक सामाजिकम न सामाजिकम च नीति वाक्यम स्वालंबम स्थानम प्रमुख स्यात समानम वितरणम जसोदयम च। इस धरती है, धरती के जितने संपदा है उसको हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है इसको मैनेजमेंट है। इस मैनेजमेंट को मेन है, इस दुनिया में संपदा की कमी नहीं है, इसमें हम लोगों को संपदा की कमी नहीं है, कमी है तो अगर हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की। इसलिए बाबा ने प्राउड का जो 16 सूत्र है उसमें बाबा ने इस चार सूत्र में पूरे धरती को कैसे हम लोग मैनेज करें उसको बाबा ने बता दिया। तो इसमें क्या है, पहला सिद्धांत क्या है कि वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। जब तक से कोई नीति नियम निर्धारित अगर करते हैं, वो जो ह्यूमन वैल्यूज या ह्यूमन कार्डिनल वैल्यूज या जो हमारे प्रकृति का विधान है उसको मान को नहीं चलेंगे तो हम जो है वहां पर फेल्योर रहे, जैसे कि पास्ट में बहुत सारे थ्योरी आए और इस धरती की ये कठोर भूमि में वो नहीं रुक पाया। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाबा कहते हैं कि ये इसका जो सिद्धांत है इसको बाबा ने तीन चार श्लोक में पूर्ण कर लिया। इसलिए पहला, वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का ये नियम है कि ये विचित्रता है, ये हमारी अंगुली को भी अगर देखें तो ये समान नहीं है, ये विचित्र का ये नियम है, प्रकृति का नियम है कि दो एकदम समान नहीं होगा, आइडेंटिकल हो सकता है, समान नहीं हो सकता। इसलिए इसको मूल
रखते हुए बाबा ने इसको ये किया है, तो आइए आज हम लोग जो है ना कुछ ये हम लोग कुछ की पॉइंट्स इसको देखते हैं, चर्चा करते हैं। प्रोग्रेसिव लाइसेंस थ्योरी सब लोग जानते हैं, प्राउड है ना, और इसको इसका कुछ की प्रिंसिपल्स है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। प्राउड इज बिल्डिंग अपॉन सेवरल की पॉइंट्स है, की प्रिंसिपल दैट गाइड्स इट्स विजन फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस प्रिंसिपल इंक्लूड्स नंबर वन न्यू ह्यूमनिज्म, फर्स्ट है न्यू ह्यूमनिज्म। तो न्यू ह्यूमनिज्म क्या है? सर्वेभ्य सुखिना संतु सुखिना संतु निरामया सर्वेभ्यम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख मापनुयात। सभी को सुखी बनाए रखें, सभी लोग रोग मुक्त हो, सभी की भलाई के लिए दर्शन हो, सभी को कोई किसी भी तरह का कष्ट न हो, सभी प्राणियों का कल्याण और सुख के ये फेवर में ये थ्योरी बनना चाहिए, और दयाशीलता की प्रोत्साहन को प्रोत्साहन करता है ये हमारा प्राउड। इसलिए प्राउड का जो बेसिक जो चीज है वो क्या है? ये है न्यू ह्यूमनिज्म, लव फॉर ऑल क्रिएटेड बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमेट इन एनिमेट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। इसलिए इसका जो पहला सिद्धांत है ये क्या है? इट इज वेलफेयर, या दिस प्रिंसिपल एडवोकेट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल बींग्स, वेदर इट इज एनिमेट और इन एनिमेट। क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये कोई तालाब में एक छोटा सा हम लोग कंकड़ फेंकते हैं तो उससे जो तरंग उत्सर्जित होता है वो क्या है? वो भी हमको इफेक्ट करता है, क्योंकि हम सब ये तरंग प्रवाह में चल रहे हैं। कहीं भी थोड़ा से आलोड़न होगा, कहीं भी थोड़ा से भी उसका ये तरंग होगा वो हमको प्रभावित करता है। इसलिए वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। इसलिए हम लोग कोई ये नहीं कह सकते हैं कि मैं डिपेंडेंट होकर ये चला सकता हूं। और उसका जो ना दूसरा की प्रिंसिपल है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है ये क्या है? आर्थिकम लोके नियंत्रते जनेभ्यः स्थानीय समाजा समर्पये सत्यः शोषणानि नश्यन्तु धनेपि समाने संपत्त्या सर्वेषां नियंत्रणे स्थितम्। अर्थात जो ये जो स्थानीय समुदाय है उसको सशक्त बनाने और आर्थिक संसाधनों का या आर्थिक संसाधनों पर लोकतंत्र नियंत्रण यह सुनिश्चित करने वाली जो संवितरण प्रणाली है या आर्थिक प्रणाली की प्रस्तावना प्राउड करता है, जिसमें शोषण और धन के वितरण में असमानता को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए वी शुड स्ट्राइव टू एलिमिनेट द एक्सप्लाइटेशन एंड डिस्पेरिटीज इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड ये रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ये क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो सर्वेभ्य संपत्ति समाना भवे, हर मे पिता गौरी माता भुवनम स्वदेश त्रयं। जब हम लोग, मैंने पहले ही कहा कि ये जो हम सभी जो है ना का उत्पत्ति एक ही है और हम लोग का गति का परिसमाप्ति भी एक ही है, तो हम लोग
कि परमपिता परमात्मा है और हम सब उनके संतान है, तो उनके द्वारा जो बनाई गई जो दुनिया है वो कैसे असमान हो सकता है, किसी को कम किसी को ज्यादा कैसे हो सकता है। इसलिए सर्वेभ्य संपत्ति समाना भवे, सर्वेभ्य संतुष्टि समाना भवे, सभी लोग ये सुख चाहते हैं, सभी लोग आनंद चाहते हैं और अनंत आनंद चाहते हैं। कौन है जो है अल्पे सुखम अस्ति, सर्वे च भूमे सुखम अस्ति, सब लोग छोटे सुख में कोई संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। सब लोग जो है ना भूमा सुख में समाहित होना चाहते हैं, क्योंकि उस भूमा से आए हैं, भूमा को पाने की लालसा है। इसलिए संपूर्ण समाजे सुखिनो भविन्ति, मानवा सर्वे सुखिन स्यात्। समाज के सभी सदस्यों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की श्रेष्ठ उपयोगिता प्रोत्साहित करना चाहिए, और यही हमारा प्रौढ़ सिद्धांत कहता है। साथ ही न्याय संगत वितरण ये प्रणाली सुनिश्चित होना चाहिए। धन के अत्यधिक संचय का त्याग करना चाहिए, जो कि जो मैं आगे बताऊंगा कि इसका जो इसको जो चलाने वाला जो लीडर है वो कैसे होना चाहिए। तो उस लीडर का एक क्वालिटी क्या है कि अपरिग्रह का पालन करना। संपूर्ण समाजे सुखिनो भवन्ति, सर मानवा सर्वे सुखिनः। तो इसलिए तो क्योंकि इसको इस अगर उद्देश्य को लेकर अगर हम लोग चलेंगे तो तब सभी का कल्याण के लिए हम लोगों को ये जो एक्स्ट्रा एकुमुलेशन है उसका त्याग करना पड़ेगा। इसलिए ये प्राउड के ये कुछ सिद्धांत है, उस पर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें आप हम लोग देखते हैं कि ये जो सोशल ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट का इसका देखते हैं कि कैसे है। प्राउड इन्विजन एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट फोस्टर्स सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सफिशियंसी एंड इक्विटेबल ग्रोथ। प्राउड का दृष्टिकोण से ये आर्थिक प्रणाली विकसित किया ये होना चाहिए जो हमेशा स्थायी होगा और स्वावलंबन होगा, किसी दूसरा पर डिपेंड नहीं होगा, और न्याय संगत विकास को ये बढ़ाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अस्ति भाति और आनंदम, बिना ये जो है ना ये क्या बोलते हैं भाती का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। बिना प्रोग्रेस का कोई सोसाइटी हमारा ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी ना नहीं कह सकते। इसलिए न्याय संगत और समान रूप से सभी का वृद्धि होना चाहिए। बाबा एक बार हम लोगों को ये समाज के बारे में बता रहे थे कि भाई हम सब लोग एक साथ चल रहे हैं, और चलते चलते समाज का मतलब क्या है, समानम एजति इति समान, समान रूप से चलने, सब लोगों एक साथ लेने का लेकर चलने का जो नाम है। तो जो समानम एजति 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 मतलब सब लोग से समान रूप से चलना। तो बाबा कहते हैं कि मान लो कोई तुम लोग चल रहे हो और चलते चलते किसी एक ने एक आदमी बीमार हो गए तो क्या करोगी जी? तो हम लोग में किसी ने कहा कि उसका इलाज कराएंगे, तो किसी ने कहा कि उसका वह उसको छोड़ के हम लोग कुछ लोग आधा लोग चलेंगे, कुछ लोग वहां पर रहेगा, उसका केयर करेगा, उसके बाद आएगा। बाबा फाइनली बोलते हैं कि नहीं, समाज का मतलब है सब लोग लेकर चलोगे, उसको छोड़ के नहीं चल चल सकते हो, फिर तो समाज नहीं हुआ। इसलिए सभी समुदाय को, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे उसका आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, सभी को हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए
मेरा कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंसी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक से सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होगा तब तक से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे घर में सरकार ये क्या बोलते हैं, धन देने की आवश्यकता नहीं है। हमको सरकार को चाहिए कि हम लोगों को परचेजिंग ये कैपेसिटी को बढ़ाए। हमारा परचेजिंग कैपेसिटी अगर रहेगा तो हमको किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, स्वावलंबन होगा। क्योंकि बाबा ने कहा है कि सबको जीने का अधिकार है, लेकिन किसी को सर झुकाकर नहीं, सभी सभी को सर उठाकर जीने का अधिकार है। इसलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और किसी भी तरह से हम लोग समाज गतिधारा को हम लोग एक साथ लेकर चलें। क्योंकि जब तक से सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होगा, क्योंकि लोकल सेल्फ सफिशिएंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये है, ये क्या करते हैं, इट रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेस। हम किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, जब हम किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे तो हम किसी पर रिलाई नहीं करेंगे, तो हमको किसी को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए वी शुड रिलाई ऑन अवर लोकल रिसोर्सेस, लोकल रीजन। इसलिए बाबा ने कहा कि इस जो हम लोगों का जो प्राउड का जो सिद्धांत है, ये क्या होगा, हमारे ये क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होगा, जो कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग होगा। उसका प्लान भी हमारे ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए, लोकल लेवल पर होना चाहिए। इसलिए ये जो सेल्फ सफिशिएंसी है, जब तक से ये नहीं होगा तब तक से लोग का विकास नहीं हो सकता, भांति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए प्राउड का जो सिद्धांत है, अस्ति भाति और आनंदम, केवल मनुष्य का जो ह्यूमन कार्डिनल वैल्यू है, जहां से आया है वहीं चले जाना है। तो हम केवल भौतिक रूप से अगर हम समृद्ध हैं, तो बहुत सारे देश है कि भौतिक रूप से समृद्ध है, उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वहां पर समस्या नहीं है, वहां पर मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी है। क्यों उसको, क्योंकि मनुष्य क्या है कि ये स्पिरिचुअल बीइंग है, ये हमारी भौतिक जो शरीर है इसको मेंटेन करने की आवश्यकता है, लेकिन इस धरती के संपदा को हम लोग अभी तक से इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नहीं बना पाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन शुड बी एडॉप्टेड। अभी जो है एक अमेरिका में एक रिसर्च आया है कि जो फॉर एग्जाम्पल स्टडी बाय द न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, ये फाउंडेशन फाउंड दैट इंक्रीजिंग लोकल प्रोडक्शन, लोकल फूड फूड प्रोडक्शन इन ये लंदन टू जस्ट 20% ऑफ टोटल कंजम्पशन कुड सेव द सिटी अप टू 2 बिलियन, 2.5 ये बिलियन डॉलर पर ईयर इन रिड्यूसिंग इंपोर्ट कॉस्ट। बताइए, देखिए कितना बड़ी बात है। अगर हम लोग अपने लोकल इकोनॉमी को डेवलप करें, तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कॉस्ट जो बढ़ता है, इट इज टू मच। इसलिए देखते हैं कि आप लोगों का ये जो, जैसे कि अभी हम लोगों का क्या है कि सारा चीज डिपेंड करता है पेट्रोलियम है, पेट्रोल का दाम जैसे ऊपर, इसलिए डेली आप लोगों का न्यूज मिलता है पेट्रोल पर, पेट्रोल का दाम 10 पैसा बढ़ गया, 11 पैसा घट गया। ये क्यों, क्योंकि हम लोगों का जितना भी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, ये हमेशा हम बाहर के चीज पर हम लोग डिपेंड करते हैं, इसलिए ये इसको नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, रिमोडलिंग रीजनल इकोनॉमिक्स, बाबा ने जो इंडिया पर, जो इंडिया में बताया ना सोशियो इकोनॉमिक जोन, कितना बताया है इसमें, 44 समाज के बारे में बाबा बताया है, और आप लोगों को मालूम होगा।
तो हम लोगों को जब तक से इस 44 समाज के बारे में हम लोग प्रॉपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको इसको इमीडिएट स्टेप के रूप में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाए, फिर लोकल जो है ना लेवल इम्प्लीमेंटेशन उसको करें, फिर उसके बाद जो है ना ये जो जैसे पॉलिसी एडवोकेसी है उस पर ध्यान दें, ताकि जो है उसके बाद जो है डेवलपमेंट फॉर द प्राउड बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल इस पर ध्यान दें, बिल्डिंग ये इंक्लूसिव कम्युनिटीज। जब तक से हम लोग अपने कम्युनिटी को डेवलप नहीं कर पाए तो हम लोग का हमेशा डिपेंडेंसी दूसरे पर रहेगा। इसलिए सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी जो कि हम लोगों को जो है ना इसको जो इक्विटिव इक्विटेबल जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग लोकल जब तक से प्लान नहीं करेंगे, इस पर डेवलप नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। उसी तरह से हम लोग जो है ना अपने जो लोकल जो है ना इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। जब तक से इन्वायरमेंट पर काम नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं, प्राउड का जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है ये इसमें भी इकोलॉजिकल बैलेंस पर ध्यान देते हैं। इसलिए अगर खेत खेत में अगर लोग क्या करेंगे, अगर लोग प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें भी बाबा ने बड़ा सुंदर ढंग से, एक बाबा का किताब है आप लोग पढ़े होंगे, क्या है चक्रनेमी, आप लोग कभी पढ़िएगा, तो उसमें बड़ा ये बाबा ने भी ये खेती को कैसे हम लोग जो इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे करेंगे उसको बड़ा सुंदर ढंग से टूल दिया है। इसलिए लोकल सेल्फ सफिशिएंसी कैन बी पावरफुल टूल फॉर प्रमोटिंग द डेवलपमेंट फॉर लोकल इकोनॉमी बाय रिलाइंग ऑन द लोकल रिसोर्सेस एंड प्रोडक्शन। कम्युनिटीज कैन क्रिएट न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर ये सपोर्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि इन पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट द लोकल फूड मूवमेंट हैज हेल्प क्रिएट थ्राइविंग नेटवर्क ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स, फूड प्रोसेसर एंड रेस्टोरेंट बाय वर्किंग टूगेदर टू प्रमोट लोकली ग्रोन एंड प्रोड्यूस्ड फूड। दिस बिजनेसेस हैव बीन एबल टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग लोकल इकोनॉमी दैट सपोर्ट्स बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। हम लोग अभी तक से एक कोई सोशियो इकोनॉमिक जोन को एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम लोग को इसको एडॉप्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए इनकरेज लोकल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, जैसे कि हम लोग अगर कोऑपरेटिव बेस इस पर ये चलाएंगे तो क्या है कि हम लोग का लोकल जो प्रोडक्शन है उस पर ही जो हम लोग उसका प्रोडक्शन वही करें, उसका कंजम्पशन वही करें, और जो सरप्लस है उसको जो भेजने की ये बात करें, जिस पर जो है बाबा कहते हैं कि जो जो ये रिड्यूस ये क्या बोलते हैं जो स्मॉल स्केल जो छोटे छोटे जो कॉटेज वगैरह है उसको किसके हाथ में जाएगा, की इंडस्ट्री किसके हाथ में जाएगा, ये जो बड़ा बड़ा जो लार्ज स्केल है किसके हाथ में जाएगा, ताकि उसके साथ जब तक से लोकल गवर्नमेंट है या जो हमारा जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके साथ ये जो लोकल इकोनॉमी है उसका ये जब तक से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक से वहां पर भी हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भी मैंने एक केस स्टडी डाल रखे हैं कि इन वन केस स्टडी स्मॉल टाउन इन रूरल अमेरिका वाज स्ट्रगलिंग टू कीप इट्स इकोनॉमी फ्लोटिंग। ए कम्युनिटी डिसाइडेड टू फोकस ऑन लोकल सेल्फ सफिशिएंसी बाय सपोर्टिंग लोकल फार्मर एंड बिजनेसेस। दे क्रिएटेड अ फार्मर मार्केट एंड इनकरेज रेसिडेंट टू स्टॉप लोकली। एज ए रिजल्ट द टाउन इकोनॉमी बिगेन टू थ्राइव एंड न्यू बिजनेस स्टार्टेड टू ओपन अप। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमेशा रिलाई ऑन लोकल इकोनॉमी। जब तक से इसको हम लोग लोकल इकोनॉमी पर रिलाई नहीं करेंगे
वही वहीं पर हम लोग रुके रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसका दूसरा प्रिंसिपल है, नेक्स्ट, कोऑपरेटिव इंटरप्राइज। इसका यह है सहकारिता उद्यम, जिसमें संप्रेक्ष्य सहकार्य कुर्वन्तु पुरुषा समानः, शोषणानि न स्यन्तु न न्याय संगताश्च समृद्ध स्यातु। सभी लोग समान रूप से सहकारी कार्य करने को देखें, शोषण का नाश हो और न्याय संगतता को बढ़ावा मिले। इसलिए कर्मचारियों की सब कितने तरह के हैं, कोऑपरेटिव दिए हुए हैं बाबा, कितने तरह का कोऑपरेटिव है? राजेंद्र दादा बोलेंगे, आप तो क्लास दादा लेते ही ये रहते। कल्चर बेस्ड कोऑपरेटिव है, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव है, और देर आर एंड देन फर्दर देर आर सो मेनी काइंड ऑफ कोऑपरेटिव्स। हाँ, तो उसमें एक और है, इसमें बाबा कहते हैं सर्विस कोऑपरेटिव, या सर्विस सर्विस कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, यहाँ फॉर डॉक्टर्स या सर्विस हाँ, कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव एंड दिस सर्विस कोऑपरेटिव। सर्विस कोऑपरेटिव में बाबा बहुत सुंदर ढंग से उसमें बताते हैं कि जैसे डॉक्टर्स है, बहुत डॉक्टर लोगों का नहीं चलता है, लेकिन अगर ये सर्विस कोऑपरेटिव अगर हो जाएगा, डॉक्टर लोगों का कोऑपरेटिव हो गया, या कोई पार्टिकुलर केस का अगर कोऑपरेटिव होगा, तो उसमें भी वो जो है चलना शुरू करेगा। वो उसका भी जो नहीं चल रहा है वो भी चलेगा, है उस बेस पर। इसलिए बाबा ने इसको जो है ना, ये क्या बोलते हैं, सर्विस कोऑपरेटिव को भी बाबा बहुत इम्पोर्टेंट दिए। और उसका तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि बैलेंस्ड इकोनॉमी, बैलेंस्ड इकोनॉमी अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फोकसिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्ट्राइव टू क्रिएट ए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन ह्यूमन नीड्स एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सुसंतुलित, हम लोग का सुसंतुलित अर्थव्यवस्था होना चाहिए, बैलेंस्ड इकोनॉमी। इसलिए खेती पर भी ज्यादा भार नहीं पड़े, व्हाइट सेक्टर पर भी भार न पड़े, और ये जो इंडस्ट्री पर भी भार नहीं पड़े। इसलिए अगर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में अगर बात करें, इसीलिए कि हम लोगों को चाहे कृषि को हो, चाहे उद्योग को हो, चाहे ये क्या बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब हो, वो सबको समान रूप से सुसंतुलित व्यवस्था बनाना पड़ेगा। उसको हम लोग जो है ना, जब मैं कुछ की पॉइंट्स को आपके पास मैं केवल रख रहा हूँ, और इसमें अगर ये करेंगे तो एक-एक पॉइंट ही है जो पूरे दिन भर की क्लास हो जाएगी। अब मुझे लगता है कितना देर का क्लास है दादा, 1 घंटा राजेंद्र दादा? सॉरी दादा आई वॉज म्यूटेड। एक्चुअली 45 मिनट इज स्टिल देयर, बट वी शुड स्पेयर सम टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू। ओके ओके, आई हैव आल्सो ये कलेक्टेड सम क्वेश्चंस एंड आंसर। आई विल लेट लेट एवरीबॉडी शुड नो, एंड आई विल आस्क सम क्वेश्चंस बिकॉज यू आर डूइंग दिस ये दिस जॉब सिंस सो मेनी मंथ्स, सो आई वुड लाइक टू ओके आस्क दादा, सम क्वेश्चंस आल्सो। सो एंड थर्ड एस्पेक्ट है, लेट अस सी द थर्ड एस्पेक्ट इज सोशल एस्पेक्ट ऑफ प्राउड। तो मैंने जो फर्स्ट ये मैंने बताया था उसकी क्या था कि उसका फर्स्ट स्टेप था कोर प्रिंसिपल, उसमें प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन है, उसमें सेकंड है प्राउडिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम मैंने बताया, तीसरा जो है ना ये सोशल एस्पेक्ट को मैंने अब मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, इसमें सोशल एस्पेक्ट में हम लोगों को बाबा क्या बोलना चाहते हैं। सोशल एस्पेक्ट, प्राउड के जो दृष्टिकोण से सभी सदस्यों के कल्याण को महत्व
देने वाला सामाजिक न्याय संगत और समरस समाज की जो कल्पना जो बाबा ने जो किया है, तो उसमें क्या कर, सर्वे जना सुखिना संतु समाना संप्रेक्षा कल्याणम समुदायेपि सर्वे समानात समान ये सर्वे समानान प्राणी पश्यंतु मैत्री दुखेन न कश्चित पीड़िया पीड़ियाताम। किसी को सभी सभी को सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग समान रहें, समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सभी संघर्षों को मैत्री के रूप में देखें, किसी को भी दुख से पीड़ित ना होने दे। ये अंडरलाइंग स्पिरिट है। तो इसमें क्या क्या है, नंबर वन सेल्फ रिलायंट कम्युनिटीज, इसमें प्रमोट्स कम्युनिटी सेल्फ रिलायंट थ्रू लोकल गवर्नेंस कल्चरल ये प्रिजर्वेशन एंड द प्रोविजंस ऑफ इसेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट फोस्टर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एम्पावरमेंट एमंग्स कम्युनिटी मेंबर्स। तो जब तक से हम लोग स्थानीय शासन है उसको अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जो लोकल सांस्कृतिक संरक्षण है धरोहर है उसको ध्यान देना होगा, और महत्वपूर्ण सेवाओं के माध्यम से समुदाय को स्वावलंबन की ओर प्रोत्साहित करना होगा। हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे समुदाय के सदस्यों में सम्मिलित होने और सशक्तिकरण की भावना को प्रोत्साहित करना होगा, सभी को समान रूप से योगदान होना होगा। जब तक से हम लोग ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सब लोग एक साथ मिल के एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर कंधा से कंधा मिलाकर जब तक से नहीं बढ़ेंगे, तब तक से हम लोग सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को जो यूनिवर्सल बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। इंश्योर्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड शेल्टर हेल्थ केयर एजुकेशन। जब तक से इसका नहीं होगा तब तक से हम लोग ये कहा गया ना कि भाई भूखे भजन न होई गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। अगर मनुष्य भूखा है तो पहले उसके भूखे की ये उसको भोजन की व्यवस्था करना होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक ये था कि इफ पीपुल क्राइज फॉर फूड आवर मास्टर यूनिट विल प्रोवाइड, इफ पीपुल क्राइज फॉर ये क्राइज फॉर शेल्टर आवर मास्टर यूनिट विल प्रोवाइड, इफ पीपुल क्राइज फॉर क्लोथ आवर मास्टर यूनिट विल प्रोवाइड, इफ पीपुल क्राइज फॉर परम पुरुष आई विल लेट देम क्राई एंड क्राई बिकॉज इट विल इंक्रीज देयर डिवोशन। सो हम लोगों को ये मिनिमम जो नेसेसिटीज है उसको उसकी गारंटी तो हम लोग करना पड़ेगा, और वो कैसे गारंटी होगा, जब तक से हम लोकल अपना ये पांच रिक्वायरमेंट का जो है फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तब तक से हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उसका तीसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअलिटी। सोशल प्रोग्रेस और स्पिरिचुअलिटी के लिए बाबा ने क्या कहा है, अस्थि भाति और आनंदम। जब तक से हम लोग भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक विकास का महत्व स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम लोग सामाजिक प्रगति हम लोग मान नहीं सकते। इसलिए व्यक्तिगत और समुदाय कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संयोजित करने के लिए एक सुसंतुलित
दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना होगा। सभी लोग सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, सभी सुखी रहें और तत्व चिंतन को संपूर्ण विश्व में स्थापित हो। इसलिए डिवोशन इज द अल्टीमेट गोल। जो लोगों को भक्ति जग गया, इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति कोई मार्ग नहीं है, भक्ति लक्ष्य है। लोगों को भक्ति में प्रतिष्ठित होना होगा। नेक्स्ट की पॉइंट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम लोगों को क्या करना होगा, इसका है कि प्राउड इनविजन ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट अपहोल्ड सोशल जस्टिस, प्रमोट्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स। सर्वे सर्वभ्य न्याय मान्य संतु प्रजासु लोक सुखम प्रचार्यताम स्वाधीनता प्रचुरम समर्पयेताम सर्वे नागरिकः प्रमाणम स्थितम। सभी न्याय प्रिय रहें, लोगों में सुख को प्रचारित करें, स्वतंत्रता को पूरी तरह से समर्पित करें, सभी नागरिकों के लिए निर्धारित मानक हो। और वो मानक क्या है कि मिनिमम नेसेसिटीज, उसको ये फुलफिल करना ही होगा, और वो उसको हर समय उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहला पहला प्रिंसिपल बाबा बोलते हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। प्राउड एडवोकेट्स द फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अलाउज लोकल कम्युनिटीज टू हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर अफेयर्स, सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स टू प्रमोट इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लोकल प्रेजेंटेशन। जब तक से लोकल प्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक, इसलिए देखिए बाबा कहते हैं कि जो समाज को बनाने के लिए ये जो राष्ट्र है ये बहुत पावरफुल होता है। इसलिए जो राष्ट्र का जो बनाने वाला है, राष्ट्र को चलाने वाला है, वो कैसा होना चाहिए। तो ये जो है आप लोग ये जो किताब के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये इसको देखें कि इसके बारे में जानते हैं, ये दिखाई दे रहा है नहीं, ये है कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र का ये जो पहला ही टॉपिक है, पहला अध्याय है राजवृत्ति। पृथ्वीभ्याम लाभे पालने च जावत अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्य प्रस्थापितानि प्रायस्थानि सहते मिदम अर्थशास्त्रम कृतम। इसलिए पहला है द लाइफ ऑफ किंग, राजवृत्ति। इसका राजवृत्ति इसको कैसे होना चाहिए, तो हम लोगों का जो लीडर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सद्विप्र लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। लेट मी कम ऑन दैट वन। तो इसलिए सर्वे समुदाय प्रमुखम धारयन्तु स्वेच्छाचारणम संप्राण मुखम च लघु निकाय समर्पये तु सर्वे श्रेष्ठवे नित्यम नियंत्रणे स्थितम। स्थानीय समुदाय को अपने मामले पर अधिक नियंत्रण देने के लिए जो ये डिसेंट्रलाइज्ड जो पावर है, इसका निर्णय लेने का समर्थन प्राउड करता है, और प्रभावी शासन और स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रोत्साहित करने के लिए छोटे प्रशासनिक इकाइयों के गठन का समर्थन करता है। लघु निकाय समर्पये तू सर्वे,
इसलिए ये इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लोकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी नेसेसिटी. डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इनेबल्स लोकल रिप्रेजेंटेशन बाय अलाउइंग डिसीजन मेकिंग पावर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. दिस इंश्योर दैट डिसीजंस आर मेड बाय इंडिविजुअल्स हु आर फेमिलियर विद द स्पेसिफिक नीड एंड कंसर्न ऑफ देयर कम्युनिटीज. एडिशनली डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग अलाउज फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबनेस एंड इन गवर्नेंस एज डिसीजन कैन बी मेड मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली एट द लोकल लेवल. इसलिए इसमें आपको कुछ चैलेंजेस भी आएगा. क्या क्या चैलेंजेस आएगा? वन ऑफ द मेन चैलेंजेस ऑफ दिस इंप्लीमेंटिंग डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इज द पोटेंशियल कंफ्लिक्ट विद द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. इन मेनी केसेस डिसेंट्रलाइज्ड कैन बी सीन एज ए थ्रेट टू द पावर एंड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर द अदर डोमिनेंट एक्टर्स. दिस कैन लीड टू रेसिस्टेंस एंड अपोजिशन फ्रॉम those who stand to lose their influence and privilege. Another challenge is to need a coordination among different administrative units. Decentralized government often involve multiple level of decision making, which can create complexity in efficiency if not managed properly. Coordination mechanisms such as intergovernmental agreement and joint planning processing are essential to ensure coherence and effectiveness. कुछ केस स्टडीज है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा. तो जैसे स्विस जो कैंटन जो सिस्टम है उसमें जो ना बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आई तो उसके बारे में बता रहा है. आई विल शेयर यू लेटर ऑन. फाइनली कंक्लूजन इसका जो अगर इसको देखें तो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट फॉर बेटर फ्यूचर. इन कंक्लूजन डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट इज अ पावरफुल टूल फॉर इंपावरिंग लोकल कम्युनिटीज एंड प्रमोटिंग इफेक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस. जब तक से हम लोग ये इकोनॉमी और ये जो पावर यही दो ही चीज तो है लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इसको प्रॉपर मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे इसको और ये ले नहीं जा सकते. इसलिए लास्ट है लीडरशिप बेस्ड नॉर्मल वैल्यूज. फाइनली इसको चलाएगा तो चलाएगा कौन? इसमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंकरेजिंग सिटीजन इन्वॉल्वमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिविटी है पार्टिसिपेटरी बजटिंग इसको इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था. तो इसमें फाइनली जो इसको चलाने वाला कौन होगा? जब तक से इसीलिए ये जो ये कौटिल्य अर्थशास्त्र है इसका पहला है ये तो बाबा ने ये बाबा भी दिए हैं कि जो चलाने वाला है सद्विप्र है. और सद्विप्र कौन है? व्हाट इज द ये हु इज सद्विप्र? तो अभी आंसर क्वेश्चन सेशन आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि नैतिक मूल्यों पर आधारित नेतृत्व करने वाला लीडरशिप बेस्ड ऑन द मोरल वैल्यूज. जब तक से आज तक से जो सोसाइटी का जो पतन हुआ समाज का पतन हुआ देश का पतन हुआ इसका मुख्य कारण क्या है? नैतिक ह्रास. नैतिक मूल्यों पर जो नेतृत्व है वो नहीं हुआ. इसलिए नीति जो नैतिकवान है
वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी सेक्टर में, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, अगर उसमें अच्छा ये क्या बोलते हैं नैतिक व्यक्ति होता है तो वो ठीक से चलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर में बाबा ने स्पेशली कहा है, कोऑपरेटिव फेलियर होने का कारण है कि नैतिकवान लोगों का अभाव। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको ईमानदारी, न्याय और समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो नेताओं का जो समर्थन होता है, जो नेता होना चाहिए वो नैतिकवान होना चाहिए। सर्वे जना नैतिकम धारयन्तु, सेवाम प्रतिष्ठान च समुदायपि, न्यायम च संपूर्ण गुणम च स्वामित्वे नित्यम नियंत्रे स्थितम। सभी लोग नैतिकता को धारण करें, समुदाय में सेवाओं और मान्यताओं को ध्यान ध्यान दे, न्याय और सभी गुणों को यह निश्चित रूप से ध्यान दे, और इसका जो नियंत्रण के समय आपके स्वामित्व हो वो नैतिकवान होना चाहिए। तो ये हम लोगों का जो कुछ जब तक से नैतिक वैल्यू को, जैसे लीडरशिप बेस्ड मॉरल वैल्यूज है, इसको अगर हम लोग प्रायोरिटी अगर नहीं देते हैं तो हमारा जो एथिकल बिहेवियर है या रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग जो प्लानिंग है उसमें कमी आएगी। और हम लोग जो है ना, जो कहा जाता है ना कि नैतिकवान मिलना, मतलब व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो बाबा ने शुरू से ही हम लोग को नैतिकवान बनाने की ये चेष्टा किए हैं। और इसमें जो मॉरल लीडरशिप वैल्यूज पर इसका बाबा ने आगे बढ़ाया है, जो जिसको एथिकल लीडरशिप जब तक से नहीं होगा तब तक से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है मोरलिटी इज द बेस। और वो बेस कैसा हुआ है, बाबा कहते हैं कि देखो जी, एक पैर तुम्हारे सीढ़ी पर है और दूसरा पैर छत पर है, वहां पर भी गिरने का चांस है। मतलब मोरलिटी वहां तक भी आपको आवश्यकता है। आप सोचेंगे कि मैं स्टेब्लिश हो गया, मैं अपना पहले ये कर, इसलिए मोरलिटी बचपन में, मोरलिटी प्रौढ़ावस्था में, और मोरलिटी हम लोगों को वृद्धावस्था में भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये जो है, कोई किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, किसी भी या एथिकल जस्टिस है, लीडरशिप है, फेयरनेस लाने के लिए, ये सब के लिए हम लोगों को ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी।